आज से 3 साल पहले की बात है। लो, और आप अब बता रहे हो? अरे चुप रहे, सॉरी। मेरे और सम्राट के बीच में बॉक्सिंग मैच चल रहा था। लखेर सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन इंस्पेक्टर, मैंने किया क्या है? सम्राट ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है कि तुम ड्रग्स लेकर बॉक्सिंग करते हो। क्या ड्रग्स? सम्राट, इनको बताओ ये सब झूठ है। तो फिर ये क्या है? ये हमें ग्रीन रूम में तुम्हारी बैग से मिला है। इंस्पेक्टर, ये मेरा नहीं है। बस अब जो कुछ कहना अदालत में कहना। चलो चलो जल्दी सम्राट। चलो चलो सम्राट। चलो उसके झूठे इल्जाम की वजह से मेरा कैरियर खत्म हो गया और मुझे 7 साल की शिकायत हो गई। एक मिनट, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आपने अभी अभी कहा था कि 3 साल पहले की बात है, तो फिर 7 साल की सजा कैसे हुई? ये बदनामी मैं सहन नहीं कर पाया और इसी 17 नंबर कोठरी में मैंने आत्महत्या कर ली। मतलब आप तब से यहाँ पे? और जब तक मैं सम्राट से बदला ना ले लूं तब तक मेरी आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं है। तुम दोनों भी इसके दोस्त हो, तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे यार, ये हम बेगुनाह भी साबित हो जाओगे और आप आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। क्या बोलते हो? अब क्या 3 साल बाद मत बोलना? सॉरी। तो तुम लोग लखेर को बचाना चाहते हो? हाँ जी। देखा जानू, मेरे भाई से कितने दयालु। अब मैं जाके नींबू का अचार डालू? मार डालू जानू। मार डाला गुग्गी, मार डाला। नींबू का अचार बनाने से पहले इनसे जान तो लेते हैं कि इनका प्लान क्या है। बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? ताश खेलना। तुम लोगों ने ही तो बताया था ना प्रीतम प्यारे कि लैब में तुम लोग बोल सकते हो, तो इशारेबाजी करने की क्या जरूरत है? भूल गए? सॉरी। आप मुझे सब याद है, ये भूल गया था। तो प्लान ऐसा है कि मैरी जी, मैं आपके साथ नारियल पानी पीने। नारियल पानी देखा जी, जी इसे जब देखो तब नारियल पानी की पड़ी रहती है। असली पेन तो मैंने बनाया मेरी जी, मैंने। क्या? मैं दरअसल चारा डालूंगा। चारा? चारा? कैसा चारा? अरे वो शेर को फंसाने के लिए बकरी का चारा डालते हैं ना, वैसा चारा। मतलब क्या है? जी मैं समझाता हूँ। हम पुलिस फंड इकट्ठा करने के लिए सम्राट और लखेर का बॉक्सिंग मैच रखेंगे, वो भी जेल के अंदर। पागल हो गए हो तुम लोग? सम्राट का बॉक्सिंग मैच लखेर के साथ? सम्राट लड़ेगा क्यों किसी भूत के साथ? मेरी जी जी समझे नहीं, मैं समझाता हूँ। देखिए जी, सम्राट तो इंसान के साथ ही लड़ेगा। हाँ। और उस इंसान के अंदर लखेर प्रवेश करेगा और उसके बाद वो सम्राट से लड़ेगा, उसे हराएगा और उससे गुनाह कबूल करवाएगा। हाँ। शाबाश शाबाश, प्लान तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो आम इंसान होगा कौन जिसके अंदर लखेर प्रवेश करेगा? प्रीतम तू बता। तू बता। नहीं तू बता ना, तू बता। जल्दी से बताओ वरना फिर मैं बताता हूँ। वो इंसान जिसके शरीर में लखेर प्रवेश करेगा वो हमारे सामने है। हाँ सामने।
अरे सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो, फटाफट बताओ। तो आज रात होगा जबरदस्त बॉक्सिंग का मैच, और उस मैच में सम्राट जिस इंसान के साथ लड़ेगा वो इंसान है जीजा जी। जीजा जी वो इंसान है? अरे वो है कौन? बोला तो सही, जीजा जी वो इंसान है। किसने सोचा जानसे एक बॉक्सिंग चैंपियन से मेरी पिटाई करवाना चाहते हो? हाय, मैं डरता नहीं, मेरी जी बिल्कुल नहीं डरता। नो एंगर्स जानू, नो एंगर्स। पॉइजन पिला रहा है, मुझे पॉइजन पिला रहा है। सॉरी मैम्स, सॉरी जी। बस बात सुनी, अरे सुना ना। हाँ जी जी, जब आपके शरीर में लखियर सिंह होगा तो आप ज्यादा ताकतवर होगे, तो पिटेगा सम्राट, आप नहीं। अरे जिया जी, सिर्फ एक दो घूसे पड़ेंगे बस। एक या दो घूसे? एक या दो घूसे में मेरा कल्याण हो जाएगा? हाँ तो हम भी तो कल्याण ही चाहते हैं। क्या बोला? कल्याण मतलब भला, भला वो वाला कल्याण। आपका कल्याण हो ये हमने ठाना है। हाँ हाँ जय जी। और सबसे बड़ी बात, जब लखेर सिंह आपके शरीर में होगा, आप सम्राट को हरा दोगे, तो चैंपियन कौन बनेगा? आप जीजा जी। हीरो कौन बनेगा? आप जीजा जी। अखबार में फोटो किसकी छपेगी? आपकी जीजा जी। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम लोग हीरो बनो ना, तुम्हारी तस्वीर पेपर में छपाओ, मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो? अब क्या करें जीजा जी, हमारे लिए तो आप ही हीरो है ना, इसलिए मुंह से आपका नाम गलती से निकल गया। ऐसे कैसे निकल गया आप मेरा नाम तुम्हारे मुंह से? सॉरी। अरे तो जी जी, किसका नाम निकलता? दीदी का, मैरी जी का? इनको रिंग में उतार देते? हाँ, इनको तो रिंग पहना सकते हैं। चुप रह। सॉरी। और बच्चे हम, और अगर हम रिंग में उतर जाते, खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो जाता, तो शहर को भूतों से कौन बचाता? मुझे तो इस शेर की ही पड़ी है। मुझे कुछ हो गया तो? सर आपको कैसे कुछ हो सकता है, आप तो शेर हो शेर, और लखीर पे थोड़ा सा भरोसा तो रखिए, है ना? देखा जीजा जी, अब मेरी जी ने कह दिया है, और मेरी जी ने कह दिया मतलब ये बात पत्थर की लकीर है। क्या? सॉरी, लकीर सुना तूने? मैंने लकीर बोला, गलत सुना, लकीर की तरह है। थैंक यू प्यारे। नथिंग डूइंग, मैं रिंग में नहीं उतरने वाला, एंड दैट इज फाइनल। जानू जानू प्लीज जानू, अब ऐसे ना मत कीजिए, अब ये नाना का आलाप छोड़ो और बहादुरी से नाता जोड़ो। मार डाला गुगी, मार डाला मार डाला। ये कातिलाना शेर सुनने के बाद मुझे लगता है मुझे ही रिंग में उतरना पड़ेगा। सम्राट, यू आर अ ग्रेट बॉक्सर। अगर आप पुलिस वेलफेयर फंड के लिए हो रहे बॉक्सिंग मैच में हिस्सा लेंगे तो हमारे कैदियों का मनोबल बढ़ेगा। आई डोंट माइंड सर, आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू। तो आज रात तैयार रहिएगा 8 बजे हारने के लिए। व्हाट? मेरा मतलब है आने के लिए, पुलिस स्टेशन में आने के लिए। मैच तो पुलिस स्टेशन में होगी ना? इट्स ओके 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 देन, ऑल द बेस्ट। ओके। आज मेरा मतलब पूरा होगा, आज मैं सम्राट को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या खिचड़ी पक रही है? वैसे मुझे पूछने की आदत तो है नहीं, फिर भी पूछता हूँ, आपने ग्लोब में खिचड़ी पकते हुए देखी? उसकी? हाँ? चुप रहो तुम, और मुझे सोचने दो।
प्रीतम प्यारे ने लखेर से प्लान के बारे में बात की, एसीपी ने सम्राट से मैच के बारे में बात की, और अब लखेर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। जोर से जीजा जी, हम आपको जोर से चिल्लाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम इन दोनों को कह रहे हैं और जोर से मालिश करो। बहुत हो गया, बहुत हो गया, कितनी जोर से कर रहे हैं ये लोग। अरे ऐसे लग रहा है जैसे रंधा लेकर लकड़ी को छिल रहे हैं। जीजा जी, ये मसाज आपके अंदर जोश भर देगा। अरे नहीं चाहिए मुझे कोई जोश वोश, यहाँ रहेगा ही नहीं कोई होश जिस तरह ये दबा रहे। जानू ये लीजिए बादाम वाला मिल्क, इससे बढ़ेगा आपका पावर्स और आप गिरा देंगे एक मुक्के में सम्राट टावर्स। मार डाला गुग्गी, मार डाला। इसी तरह अगर तुम शायरी बोलती रहोगे ना तो मैं तो जहर भी पीने के लिए तैयार हूँ। जहर पे आपके दुश्मन? आए, आए। कैसी बातें कर रहे हैं, क्या था जहर के? बहुत सही, बहुत सही जिया जी, ये लीजिए आप च्यवनप्राश खाइए, ठीक है? च्यवनप्राश? हाँ, और इसके बाद लंच में हम इसके बाद खाएंगे। नहीं मुझे नहीं खाना है च्यवनप्राश। बहुत सही, बहुत सही। एक ही दिन में पहलवान बनाना है क्या? वैसे मुझे क्या करना है डार्लिंग, मुझे तो सिर्फ खड़े रहना है, जो भी करना है वो लखेर बोलना है ना प्रीतम प्यारे? हाँ 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 हाँ, वो तो है। इतना ढीला क्यों बोल रहे हो तुम लोग? अरे भाई ओ आप टेंशन मत लीजिए जिया जी, लखेरी आपके शरीर में घुस के लड़ेगा, आएगा मेरा लखेर आएगा। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे सबूत चाहिए नहीं तो मैं रिंग में नहीं जाऊंगा। कौन सा सबूत, कैसा सबूत चाहिए मुझे बताइए। लखेर को कहो कि इसी वक्त मेरे शरीर में घुसे। ये तो नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ रात में आता है जिया जी, सॉरी। तो फिर मैच कैंसिल, निकालो। अगर लखीर मेरे शरीर में नहीं घुसेगा तो मैच कैंसिल, समझे? ये क्या हो रहा है जानू? ये क्या हो रहा है? अब मैच होगा, मैच होगा, नहीं छोड़ूंगा मैं सम्राट को, नहीं छोड़ूंगा। हम सम्राट नहीं है, हम सम्राट नहीं है। अभी तो खाएंगे ना लंच? आई मार डाला गुग्गी, मार डाला। ये छेद मैंने किया है। मिल गया ना समझ जी जी। अब तो लड़ेंगे ना? अब तो लड़ेंगे आप? अब मैं लड़ूंगा और जीतूंगा भी, क्योंकि लखेर मेरे साथ है। मैच की सारी तैयारी होगी? जी सर। और सारे रिपोर्टर्स आ गए सर। गुड। अरे टिकू कहाँ? ये नहीं ना। अरे टिकू मैं यहाँ। टिकू तुम तैयार हो ना? हाँ मैं तैयार हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सुरवे वैसे मेरी जी, मैं क्या कहता हूँ, ये मैच वैसे ही वन साइडेड होने वाला है, हमारे जीजा जी मेरे मतलब लखेर जीतने वाला है ना, तो हम लोग अभी नारियल पानी पीने के लिए चलते हैं। आपके लिए भी ले आऊंगा दीदी। चुप रह, तू यहाँ रह के जिया जी का हौसला बढ़ाएगा। नारियल पानी पीने मैं और मेरी जी जाएंगे। मैं जाऊंगा। इतने जोर से क्यों? तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा। सम्राट का जो हाल करने वाला हूँ मैं तुम लोगों का कर दूंगा। अरे वाह जी, क्या कॉन्फिडेंस है। लखेर तो सम्राट को मारेगा ही, साथ में 2-3 घूसे मैं भी मार दूंगा। लेकिन वो स्पिरिट है कहाँ? अरे हाँ वो कहाँ है? हाँ वो सम्राट कहाँ है? सम्राट कहाँ है? आइए सम्राट।
सम्राट, सम्राट द ग्रेट बॉक्सर, टीकू द ग्रेट, टीकू खीला वाला। ओ, तो ये वो हैं जो मुझसे फाइट करेंगे। टीकू किला वाला बिजनेस मैन। सही पहचान। हेलो टीकू जी। जानू, जानू। टीकू जी, आप जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथ चेक पर साइन करते हुए अच्छे लगते हैं, और मेरे जैसे बॉक्सर के साथ फाइट करने का विचार। अशोमत, तुम जानते नहीं हो लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले का कि जीजा जी हमारे लाखों में एक है। लाखों में एक बिजनेसमैन है जो अच्छे से बॉक्सिंग भी जानते हैं। ये दोनों, ये मेरे साले हैं, मेरे भाई। ऐसा मुझे लग रहा है कि इन्हें पहले कहीं देखा है। अरे बस क्या, भूल गए, मार्केट में हम मार्केट में बहुत नाम है हमारा। प्रीतम प्यारे, बहुत भगाने में एक्सपर्ट, फिलहाल तू पिटने के लिए तैयार हो जा। और मैं बिना तैयारी के पीटता हूँ। वो लकी रहेगा कि नहीं? आ जाएगा जी, जी आ जाएगा। आप दो तीन राउंड खेल तो लीजिए। पागल हो क्या, दो तीन राउंड? अरे एक राउंड में मेरी शक्ल सूरत बदल जाएगी। जी आप घबराइए, क्या जी जी को उल्टी सीधी बातें बोल रहा है? डरा है जरा, रुक जा जी जी। लकी रहेगा, आएगा आएगा, मेरा लकी रहेगा। आ जाए तो अच्छा है भाई। इस दिन का मैंने 3 साल से इंतजार किया, और सम्राट को बॉक्सिंग मैच में भी हराऊंगा, उससे सच भी उगलवाऊंगा, और अपने आप को बेगुनाह भी साबित करूंगा। भूतरीना, तुम? हाँ मैं। क्या लगा था तुम्हें मुझसे गद्दारी करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? पुत्रीना मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने तुम्हें वहां प्रीतम प्यारे को सबक सिखाने के लिए भेजा था, और तुमने उन्हीं से हाथ मिला लिया। महामोटे के शरीर में घुस के सम्राट के साथ मैच खेलने का प्लान बना लिया। प्लान तो है पुत्रीना, ये मैच मेरे लिए बहुत जरूरी है, और मेरे लिए प्रीतम प्यारे जरूरी है। तुम्हें तो मैं नहीं जाने दूंगी। तुम सब पकड़ लो इसे। इतनी जल्दी क्या है, मैच को तो खत्म हो जाने दो। और तुम सब अच्छी तरह इस पे नजर रखना। अब देखते हैं महामोटा कैसे बचता है सम्राट के वार से। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.